हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें, रिलायंस की तरफ से न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसी रखी गई है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट के लिए एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी बाय अनअकैडमी। तो अनअकैडमी कैरियर असिस्ट 2.0 के पार्ट 1 के अमेजिंग रिस्पांस के बाद अब आ रही है कैरियर असिस्ट 2.0 का पार्ट 2 एंड 3। पार्ट 2 इज ऑन 27 अगस्त, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट फ्रॉम कंपनीज लाइक टाटा स्टील, L&T एंड अदर कंपनी से आ रहे हैं, और जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे अबाउट हाउ टू मेक ए स्टेबल कैरियर इन कोर इंजीनियरिंग सेक्टर। उनके टिप्स एंड ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगे अपने प्रोफाइल को स्ट्रेंथन करने में। एट द एंड ऑफ दी सेशन शाम को 7:15 पे होगा एक रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें अच्छे स्कोर लाकर आप एलिजिबल हो जाएंगे कैरियर असिस्ट 2.0 के पार्ट 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए। इज ए रिक्रूटमेंट ड्राइव जहां पर ब्रांड लाइक GSW, ABB, ETC आर कमिंग टू हायर द इंजीनियर्स वाया अनअकैडमी। चीजें यहीं खत्म नहीं होती हैं, अनअकैडमी लेकर आया कुछ ग्रैंड रिवॉर्ड्स फॉर पीपल फॉर परफॉर्म वेल इन दैट टेस्ट, लाइक ऑटोग्राफ मर्चेंडाइज फ्रॉम सेलिब्रिटीज, प्रीमियम हेडफोन्स, ट्रिप टू बैंगलोर टू विजिट एन EV फैक्ट्री, स्कॉलरशिप वर्थ 1 करोड़। तो सेशन का शेड्यूल आपके सामने स्क्रीन पे है, जो भी सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगता है आप उसे अटेंड कर सकते हैं। तो सैटरडे 27 अगस्त सेव द डेट एंड कनेक्ट एट 3 PM। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्क्रीन पे जो आपको हमारा कूपन कोड Study100 दिख रहा है, इसे यूज करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएं और सभी चीज का बेनिफिट ले। तो चलिए चलते हैं वैकेंसी की तरफ, और यहाँ पे आप सभी को जो रिलायंस की वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर मेंटेनेंस की वैकेंसी निकाली गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, जिसके लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 2 दिन पहले इस वैकेंसी को पोस्ट किया गया, और 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज यहां पे दिख रही होगी, जो कि आपके नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो यहां पे एक वैकेंसी के लिए बताया गया, तो बट आपको बता दूं कि ये नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। यहां पे एक वैकेंसी सिर्फ इस वजह से लिखा गया है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट इसमें फटाफट से रिस्पॉन्स करें और इसके प्रोसेस को फटाफट से स्टार्ट किया जा सके। तो इसी की वजह से नंबर ऑफ वैकेंसी को 1 रखा गया, अदरवाइज आप जानते हैं कि 1 वैकेंसी होती तो उसे रेफरेंस से भी आराम से फिल किया जा सकता है। तो पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन की जो डिटेल्स है वो नीचे मेंशन की गई है, आप यहां पे रीड आउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका जॉब टाइप क्या है। पूरी चीजें आपको क्लियर यहां पे मेंशन की गई हैं। साथ ही में एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बैचलर डिग्री अगर मैकेनिकल में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में एक्सपीरियंस की बात करें, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, जो कि आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। और ये आपके पास अगर डिग्री है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फॉर डिप्लोमा के लिए भी 7 साल का यहाँ पे क्लियर आप सभी को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस आप सभी के पास होना चाहिए। अब स्किल्स की बात की गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्किल्स के बारे में आप रीड आउट कर सकते हैं, कोड डोमेन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही में आप सभी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बिजनेस फंक्शन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो वो भी आपको क्लियर कर दिया गया। साथ ही में रोल की अगर बात करें, तो मैकेनिकल इंजीनियर की ये पोस्ट रहेगी, इंडस्ट्री टाइप आपका जो रहेगा रिलायंस पावर में आपकी ये जॉब रहेगी। फंक्शनल एरिया आपको बताया गया, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपका रहेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप की अगर मैं बात करूं, तो फुल टाइम परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है। रोल कैटेगरी ऑलरेडी आपको क्लियर है कि इंजीनियरिंग की आपकी जॉब रहेगी। साथ ही में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देख सकते हैं, यानी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से जाके आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी को मिल गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।